Hey everyone, welcome back to my channel. So friends, आप देख सकते हैं मैंने घर पर ब्लू आई लाइनर काजल तैयार किया है एंड फ्रेंड्स ये 100% वाटर प्रूफ है एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा कितना बोल्ड लुक ये प्रोवाइड कर रहा है, कितना डार्क कलर में ये बना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक क्लीन बोल एंड एक ब्लू कलर में क्रेयन चाहिए एंड फ्रेंड्स आपको पूरा क्रेयन नहीं लेना है, इसका आधा या फिर उससे भी कम आपको क्रेयन का टुकड़ा लेना है। फिर आपको इसमें ऐड करना है वैसलीन, आपको 1/4 चम्मच वैसलीन लेना है। उसके बाद इसे आपको डबल बॉयलर मेथड से इसे हीट करना है ताकि ये मेल्ट हो जाए। एंड फ्रेंड्स अगर आपके पास क्रेयन अवेलेबल नहीं है तो आप इसके जगह में वीस वैक्स ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप वीस वैक्स का यूज़ कर रहे हैं तो वीस वैक्स ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए आपको ब्लू कलर में फूड कलर ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ क्रेयन का यूज़ किया है एंड क्रेयन 100% नॉन टॉक्सिक होता है, तो इसलिए हमें आँखों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों के लिए स्पेशली बना होता है तो इसलिए नॉन टॉक्सिक होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये लगभग मेल्ट हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए जब आप ये मेल्ट हो जाए तो आपको इसे ऐसे ही नहीं रखना है, कोई भी बर्तन में खौलता हुआ पानी ले लेना है एंड उसके ऊपर इसे रखना है ताकि ये ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगे। अगर ये एक बार ठंडा हो जाता है तो इसे कोई भी कंटेनर में ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए हमें इसे गरम गरम ही इसे ट्रांसफ़र करना होता है। तो मैंने यहाँ एक इंजेक्शन के हेल्प से एक काजल पेंसिल में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये मेरा लैक्मी का काजल पेंसिल है, ये कम्प्लीटली यूज़ हो चुका था तो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो आपको भी कुछ इस तरह से करना है ताकि ये अच्छे से शेप ले ले एंड आपको यूज़ करने में इजी हो। तो फ्रेंड्स मैंने इसे यहाँ फिल कर लिया है एंड इसे आपको फ्रिज में रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे रूम टेम्परेचर पर इजीली रख सकते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह का आपका तैयार हो जाएगा, यूज़ करने के लिए आप तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं इसे आपको यूज़ करके बताती हूँ, ये मेरे हैंड पर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड इसका रिज़ल्ट आप अच्छे से देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये कितना अच्छा सा तैयार हुआ है ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं अपने आँखों पर इसे अप्लाई करके आपको बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कैसे वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स मैंने एक आँख पर पहले ही इसे अप्लाई कर लिया था, उसके बाद मैं इसे दूसरे आँख पर अप्लाई कर रही हूँ, तब मैंने इसे सूट किया है। तो फ्रेंड्स आप खुद रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये ब्लू कलर में आईलाइनर काजल तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।